हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में दो तीन पॉइंट्स ले रहा हूँ जो फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो क्विकली इसको हम कवर करेंगे, बहुत लंबी वीडियोस पे नहीं लेंगे। एक है सप्लाई ऑफ वाउचर। वाउचर समझते हैं ना, जैसे गिफ्ट वाउचर्स मिल जाते हैं, जी आप ये सामान खरीद लो तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑल दैट। तो वो जो वाउचर दिया होता है उसकी भी तो वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी ना, तो उसका भी एक टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हेडिंग डालिएगा सप्लाई ऑफ वाउचर। इसके ऊपर सेक्शन अलग अलग हैं, अगर आप चाहें तो अपने मॉड्यूल में देख सकते हैं, नहीं तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सप्लाई ऑफ वाउचर प्रोविजन पता होता ही बहुत है, तो लिखिएगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय अ सप्लायर, The time of supply TOS shall be। जब आपने एक वाउचर के अगेंस्ट कोई सर्विस दी है, बहुत होता है ना कॉमन कि भाई चलो फ्री सर्विस है आपने अवेल कर ली, ये गिफ्ट है आपने अवेल किया, तो उसकी भी वैल्यूशन करके टैक्स तो लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो अगर आप फ्री में वाउचर ही बांटते रहोगे और इनडायरेक्टली पेमेंट ले लोगे तो काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट तो नहीं मानती ना उस चीज़ को। तो दैट वे अगर आपने कोई वाउचर भी दिया है, सप्लाई ऑफ वाउचर, उसको भी एक टैक्सेबल सप्लाई माना है। तो अगर आपने हाथ किया था अवेल किया तो फिर तो हो गया डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। If the supply is identifiable at that point, यानी कि वाउचर दिया, कई बार तो ना हाथ किया था, उसको अवेल कर सकते हैं, या जैसे माना महीना दे दिया आप, उसके बाद अगले एक महीने में कभी भी कर सकते हैं, तो फिर जिस दिन आपने फैसिलिटी ली। देन सेकेंड इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस, ठीक है ना। इसका मैं एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाउचर अलाउज शॉपिंग इन से नेक्स्ट 30 डेज, जिस दिन आपको वाउचर इशू हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये उसमें वाउचर में लिखा था कि आप अगले 30 दिनों में कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, या कोई जैसे होता है ना समटाइम कोई हेयर कट ले सकते हैं, कोई कुछ भी, एनी काइंड ऑफ सर्विस, एनी काइंड ऑफ सिंपल और स्मॉल प्रोडक्ट यूजली, तो दैट इज़ बेसिकली द वाउचर। तो जब आपने वो वाउचर यूज़ किया बेसिकली, चाहे तो हाथ किया किया तो फिर तो डेट ऑफ इश्यू वाउचर ही हो गया, अगर इफ़ यू हैव यूज्ड इट इमीडिएटली, अदरवाइज इट विल बी द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। क्योंकि यूजली हम जो वाउचर लेते हैं तो उसी दिन तो हम आमतौर पर यूज़ नहीं करते, हम अपना मूड बनाते हैं या सोचते हैं और फिर उस वाउचर को यूज करते हैं। देन दैट इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन ऑफ वाउचर मीन्स यूटिलाइजिंग द वाउचर, तो दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, ठीक है जी। तो ये इजी है। लॉ पहले भी ये बात बता चुका है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो डिटरमिन, तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो क्या होगा, बहुत ही इसको रेजिजुअल प्रोविजन मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब मेरे को मन था मैं इसको छुड़वा दूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सर जब दिया हुआ है तो आप इसको बता दो, मॉड्यूल में दिया है इसलिए मैंने बस पढ़ा दिया इसको, ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। वे आर नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर अबव प्रोविजंस, यानी सब कुछ जो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ाया तब भी ना हो पाए तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन इमेजिन करना मुश्किल है, तो इसको आप बेकार ही मान के चलिए। वेयर पीरियोडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, then TOS, then TOS is the due date of such return, यानी कि अगर ऊपर जितने भी मैंने अभी तक प्रोविजन पढ़ाए, इवन वो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को जो हम एंट्री डाल रहे हैं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं अगर आपका काम बनता, तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जो पीरियडिकल रिटर्न की डेट है उस डेट को मान लेंगे। मैंने इस पर दिमाग लगाया नहीं क्योंकि मेरी ओपिनियन में बेकार का प्रोविजन है। और सेकंड पॉइंट इन एनी अदर केस, इसमें भी इन्होंने एनी अदर केस बना दिया कि भाई इसमें भी अगर बात ना बन पा रही हो, देन द डेट ऑन विच GST इज पेड, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिटर्न एक तरह से ये इन्होंने बना दिया। इन एनी केस अगर कोई आदमी इस तरह के प्रोविजन पता है क्यों बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई आदमी बिल्कुल ये प्रूव कर दे कि जी जो कुछ आपने लिखा है मैं तो उससे बाहर हूँ, बिल्कुल कोई भी चीज़ मेरे पर एप्लीकेबल ही नहीं है, है ना, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, तो फिर वो भगवान ने अवतार लिया था ना, ले बेटा
तो वही वाली बात है, ये रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एक्सेट्रा। अब इसके लिए जो आपको अगर पैसा मिला, कोई आपने पेमेंट लेनी थी गुड्स की या सर्विसेज की, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, लेट फीस मिली है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होगा। सेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 जो है फॉर गुड्स है, एंड सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 जो है वो फॉर सर्विसेज है। वो तो खैर है ही, 12 जो है वो गुड्स का है और 13 सर्विसेज का है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट लेट फी वगैरह मिला है तो उसका जो GST जमा कराना है उसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो इज डेट ऑफ रिसीट, जब मिला उस डेट से ही आप जमा करा दो, बस बात खत्म। जिस महीने मिल गया एक तरह से उस महीने टैक्सेबल, इसमें देर इज नथिंग टेक्निकल। लास्ट एक पॉइंट और मैं ले रहा हूँ, उसके बाद हम चैप्टर की लास्ट स्टेज पर पहुंचेंगे, वो है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ GST। अगर GST का रेट बदल जाए तो क्या होगा, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि जो एडवांस अगर हमें मिले तो क्या होगा, क्या एडवांस टैक्सेबल है। सपोज आपको गुड्स एंड सर्विसेज अभी मिले नहीं और एडवांस जो है आपने दिया है, या उल्टा आपको एडवांस रिसीव हो गया अभी आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं किए, तो क्या टैक्स लगेगा। द आंसर इज यस। दूसरी पार्टी को क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, नो। फिर कब करोगे, जब एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज आपको रिसीव होंगी या आप सप्लाई करोगे, तो इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर एक्चुअल गुड्स के महीने में होगा। द आंसर इज यस। यानी कि अगर सपोज मैंने 3 महीने पहले एडवांस ले लिया और सर्विस मुझे 3 महीने बाद देनी है, तो मुझे टैक्स तो अभी देना है, लेकिन जो मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा वो 3 महीने के बाद करूंगा। जब आप प्रैक्टिकल वर्जन सीखेंगे मेरे साथ GSTR 1 में, तब आप देखेंगे GSTR 1 में इस चीज़ की एडजस्टमेंट होती है बकायदा, कि जो आपने एडवांसेस लिए हैं वो ऐड किए जाते हैं और टैक्स इनवॉइसेस जो हैं जिस महीने वो इशू किए जाते हैं उस महीने टैक्स इनवॉइस माइनस कर देते हैं, क्योंकि एडवांस पे आप ऑलरेडी टैक्स ले चुके हों। तो ये सब प्रैक्टिकल फाइलिंग के वक्त एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो मैं इसको एक नोट की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, आप भी लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट अबाउट एडवांस रिसीव्ड। GST लॉ में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर कोई एडवांस मिले तो क्या वो टैक्सेबल होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसके ब्रीफ नोट्स लिखवा देता हूँ। वेदर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ रिसीट, द आंसर इज यस। कैन वी इशू टैक्स इनवॉइस, नो। व्हेन टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड आफ्टर एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स पब्लिक सर्विसेस, व्हेन ITC कैन बी क्लेम्ड ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स इनवॉइस। यानी ऊपर से कनेक्ट हो गया ना, जब आपको टैक्स इनवॉइस मिलेगा तब आप इनपुट टैक्स क्लेम लेंगे, और ITC कब मिलेगा, जब आप एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। तो इसका मतलब जिस महीने या जब पैसा मिलेगा उस महीने टैक्स तो देना है, ठीक है ना। वेदर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ रिसीव्ड, ये गलत मैंने टाइप कर दिया, आई एम सॉरी। वेदर टैक्सेबल इन द मंथ ऑफ रिसीट, येस। कैन वी इशू टैक्स इनवॉइस, नो। फिर टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा, जब आपको एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी और ITC भी तभी क्लेम होगा। सो आई थिंक ये 4 पॉइंट लिखने के बाद आपको एडवांस के मामले में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द एडवांस रिसीव्ड, ठीक है जी। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम एक बड़ा कंसेप्ट उठाएंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स के केस में कैसे डील होगा। उसमें भी फिर 2 केसेस बनेंगे, एक जिसमें सप्लाई पहले ही कंप्लीट हो चुकी है बिफोर चेंज, एक जिसमें बाद में कंप्लीट हुई है। तो 2 या 3 छोटी छोटी वीडियो लगेंगी, देन योर चैप्टर विल बी ओवर। थैंक यू।